नमस्कार। फेस्टिव फूड रेसिपीज में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि और उसके स्पेशल मौके पर मैं बना रही हूँ व्रत वाला स्पेशल आलू का हलवा, जो कि बहुत ही कम समय में बनके तैयार होगा। इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स भी लाई हूँ, जिससे आप बहुत ही टेस्टी हलवा घर में बना सकते हैं। अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं इस हलवे की रेसिपी को बनाना। आलू का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने आलू को पहले से उबाल रखा है और इनका छिलका उतारने के बाद इनको अलग कर लिया है। आलू को हमें कितना लेना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपके पास वज़न नापने की सुविधा है तो यहाँ पर आप लगभग 500 ग्राम यानी आधा किलो की जितना आलू ले लीजिए। अगर नहीं है वज़न नापने की सुविधा तो भी आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप इसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो सारा मेथड मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। चलिए, अब मैंने यहाँ पर लिया है एक ग्रेटर यानी कि एक छोटा वाला कद्दूकस, और अब हम इन आलू को इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। अगर आपने आलू को ताज़ा उबाला है तो आपको ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ताज़ा आलू बहुत आसानी से हाथ से भी मैश हो जाता है। तो आप उसे अच्छी तरह से मैशर की मदद से मैश कर लें और इसका एकदम बिल्कुल फाइन ऐसा पेस्ट सा बना लें, क्योंकि आलू का जो हलवा होता है उसमें जो आलू है वो उसमें बड़े पीसेस नहीं रहने चाहिए, बस हम इसी वजह से इसको ग्रेट कर रहे हैं। मेरे पास जो आलू मैंने यूज़ किया है वो पहले से उबाल के रखा हुआ है और वो ठंडा हो चुका है, इसी वजह से उसे हाथ से मैश करने में डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए मैं ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आपको घर की कोई भी कटोरी या फिर आपके पास मेजरिंग कप है तो आप वो ले लीजिए और उसमें इस तरीके से भर करके देख लीजिए कि ये आलू कितना बैठ रहा है। मैंने यहाँ पर इस आलू को ग्रेट करने के बाद इसमें देखिए भर लिया है इस तरीके से, और ये लगभग जो मेरे पास रेडी हुआ है वो देखिए एक कप पूरा अच्छे से भर गया। ये 250 ml वाला मेजरिंग कप है जिसको मैंने पूरा इस तरीके से दबा करके इस पेस्ट को भर लिया। मैं इसको साइड रखती हूँ और बाकी जो दूसरा वाला है उसको भी मेजर कर लेंगे। तो आप घर की कोई भी कटोरी ले सकते हैं, इससे फ़ायदा ये रहता है कि आपका जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सटीक बैठता है, यानी चीनी कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगी और घी का रेशियो भी इसी हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो ये नापने का तरीका बिल्कुल फुल प्रूफ है, इससे आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा। तो ये देखिए लगभग लगभग दो कप के करीब है, तो मैं इसे दो कप मान के चल रही हूँ और इसे मैं इस बोल में ही ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। चलिए, आपने जिस कटोरी से नापा है आप उसी से नाप लीजिएगा आगे की सारी। तो यहाँ पर दो कप जितना मेरे पास उबला हुआ मैश किया हुआ आलू है। अब इसके हिसाब से हमें देसी घी कितना लेना है। अब हलवा बना रहे हैं तो घी का इस्तेमाल ही करेंगे, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जिस कटोरी से आपने आलू को नापा है उसी कटोरी का एक चौथाई हिस्सा जितना ही घी चाहिए, इसके ज़रिए ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब इसके साथ हमें चाहिए होगा उबला हुआ दूध, और वो भी तेज़ गर्म। मैंने यहाँ पर दूध में कुछ केसर के धागे डाल दिए हैं, ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं केसर तो आप इसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपका जो हलवे का रंग है वो वाइट आएगा, क्योंकि आलू में अपना कोई ऐसा कलर नहीं होता है। मैंने यहाँ पर इसको सिर्फ कलर के लिए डाला है और इसको हम एक साइड रख देते हैं। चलिए, अब मैंने यहाँ पर ली है एक कढ़ाई। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप आलू का हलवा बना रहे हैं तो उसके लिए कभी भी एल्युमिनियम की कढ़ाई या फिर पैन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आलू जो है बहुत ज़्यादा स्टिक होता है। कोशिश करें आप इसे नॉन स्टिक बर्तन में बनाएं, या फिर नॉन स्टिक बर्तन नहीं है तो आप इसकी जगह पर लोहे के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी हलवा कम चिपकता है एज़ कम्पेयर करें तो हम एल्युमिनियम के बर्तन से। लेकिन हाँ, नॉन स्टिक में बेस्ट रहता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा आपका हलवा और बहुत आसानी से बहुत कम समय में बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच घी डाला है, देसी घी, और इसमें मैंने थोड़े से अपनी चॉइस के नट्स डाले हैं। मैंने यहाँ पर काजू और बादाम का इस्तेमाल करा है, आप अपनी चॉइस के कोई भी नट्स यहाँ पर थोड़े से फ्राई कर लीजिए घी के साथ में। ये करने से दो फायदे हैं, एक तो आपकी जो कढ़ाई है वो अच्छी तरह से ग्रीस हो जाती है घी के साथ में, और जो आलू हम आगे रोस्ट करेंगे वो बिल्कुल नहीं चिपकेगा, और दूसरा ये होता है कि जब हम इसमें नट्स को फ्राई कर लेते हैं तो एक क्रंची सा फ्लेवर आता है जो कि हलवे को और भी टेस्टी बना देता है। तो यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर वही जो मैंने घी रखा था एक चौथाई कप जितना, उसमें से ये खाने वाली जो चम्मच है ना, इससे मैंने चार चम्मच जितना ही घी ऐड किया है, चार छोटी चम्मच हैं। तो इतना घी डालने के बाद हम इसमें जो हमने आलू मैश करके रखा था वो सारा आलू यहाँ पर डाल देंगे। देखिए इतना घी अभी बचा हुआ भी है, तो घी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे। इस हलवे में बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और जितना घी हमने डाला है ना ये भी सारा आपको बाहर ही दिखने लगेगा, क्योंकि आलू जो है घी को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा।
अब आपको क्या करना है, इस घी के साथ में इस आलू को अच्छी तरह से मैश कर देना है ताकि इसमें घी की बढ़िया सी कोटिंग आ जाए। और यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को इस समय बिल्कुल हाई रखा है क्योंकि हम इस हलवे को बहुत ही कम समय में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जितनी भी रोस्टिंग है सारी मैंने हाई फ्लेम पर की है और उससे टेस्ट में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा, वो भी बहुत ही कम समय में। अब बचा हुआ घी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जब आपने एक बार सारे घी को मिला लिया इस आलू के साथ में तो बचे हुए घी को डाल दीजिए और अब हम इस घी के साथ में इसको अच्छी तरह से मैश करते हुए इसको रोस्ट होने देंगे। आलू का हलवा एक ऐसा हलवा है जो कि व्रत में ज़्यादातर घरों में बनता है और लोगों को प्रॉब्लम आती है इसे बनाने में, तो आप इस तरीके से बनाकर देखिएगा, आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। एकदम ऐसा होगा कि मुँह में घुल जाने वाला और इसका टेस्ट आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। एक बार मेरे तरीके से इस हलवे को ज़रूर बना के देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आलू है वो रोस्ट होना शुरू हो गया और देखिए कहीं पर भी नहीं चिपक रहा है, पूरे पैन में इस तरीके से घूम रहा है ये, क्योंकि हमने नॉनस्टिक बर्तन का इस्तेमाल करा है। और अगर आप लोहे के बर्तन में बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा फ्लेम का, क्योंकि लोहे के बर्तन में चिपकने के चांसेस थोड़े से होते हैं। कढ़ाई को अच्छी तरह से ग्रीस करिएगा और लगातार चलाते हुए ही इसको रोस्ट करिएगा, इसको छोड़ना नहीं है आपको। और देखिए मैं इसको बीच बीच में इस तरीके से पलटती जा रही हूँ क्योंकि नीचे से आलू सिकना शुरू हो चुका है। गैस का फ्लेम हाई है जिसकी वजह से आपको दिख रहा होगा हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो आप बस आप इसको लगातार इस तरीके से चलाते रहिए और इस पर बढ़िया से सिकाई होने दीजिए इस आलू की। आपके घर में ये हलवा कब बनाया जाता है, यानी किस व्रत के स्पेशल मौके पर बनाया जाता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए अब आपको दिखने लगा है ना, इसमें साइड्स में जितना भी घी है वो छूटा हुआ है, मतलब सारा घी जो है आलू ने छोड़ना शुरू कर दिया है। और इसका ये इंडिकेशन है कि आलू हमारा बहुत अच्छी तरह से रोस्ट होना शुरू हो गया है। ये देखिए सारा साइड में इस तरीके से आपको झाग सा दिखने लगेगा घी का, तो इसका मतलब हमारा आलू जो है बहुत ही बढ़िया से रोस्ट हो चुका है। अब इसमें बहुत ज़्यादा आपको कलर डिफरेंस नहीं लगेगा, लेकिन इसी मोमेंट पे हम यहाँ पर चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आपको कितनी डालनी है, यहाँ पर हमने 2 कप जितना आलू लिया था मैश किया हुआ, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 3/4 कप जितनी चीनी यूज़ की है, यानी कि 1/2 कप + 1/4 कप जितना। आप इसमें बराबर से 1 कप जितनी भी चीनी डाल सकते हैं, यानी आलू की क्वांटिटी से जस्ट हाफ क्वांटिटी में भी चीनी डाली जा सकती है। और साथ में जो हमने दूध रखा था वो ऐड कर दिया। दूध डालने से क्या होगा कि जो चीनी है वो अच्छी तरह से यहाँ पर चीनी कैरेमलाइज होगी और दूध के साथ में ये अच्छी तरह से घुल जाएगी। अगर आप दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भी चीनी आसानी से घुल जाएगी, क्योंकि चीनी जो है हीट जैसी उसको मिलती है वो अपने आप अपना मॉइस्चर रिलीज़ करती है और इस आलू के हलवे को बहुत ही बढ़िया सा कलर भी देती है। अगर आप इसमें इस तरीके से केसर का रंग नहीं डालेंगे तो इस आलू के हलवे का कलर हल्का सा ब्राउनिश आता है, क्योंकि चीनी का जो कैरेमल कलर होता है वो इस आलू को मिल जाता है और उससे भी हलवा देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको डालने के बाद, अब देखिए जैसे ही इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं, आलू थिक होना शुरू हो गया, इस मोमेंट पे आप गैस के फ्लेम को थोड़ा सा लो टू मीडियम के बीच कर दीजिए। अब आप इसको हाई फ्लेम पर एकदम मत रखिए क्योंकि काफ़ी जल्दी से ये जलने लगता है, पैन से चिपकने लगेगा। तो बस अब आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए हल्का सा और पकाना है। इसको हमें इतना पकाना है जितने में ये देखिए पूरा ये सरफेस जो है छोड़ने लगेगा और एक साथ हो जाएगा ये हलवा। तो आप इसको इस तरीके से चलाएंगे तो एकदम एक साथ सिमट करके एक साथ आ जाएगा। बस इतना इसे पकाना होता है, इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना। और ये देखिए हमारा हलवा जो है एक साथ हो चुका है, इससे ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो लीजिए बन के तैयार है हमारा नवरात्रि स्पेशल व्रत वाला आलू का हलवा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। और आप इसका टेक्सचर तो देख ही रहे हैं, देखने से ही एकदम माउथ मेल्टिंग है। आप इस रेसिपी को अपने घर में कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नवरात्रि व्रत स्पेशल और भी इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पे पहले ही पोस्ट की हैं, उनके सारे लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड किए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ आपसे एक और फेस्टिवल स्पेशल रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।